हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ 8 जनवरी 2020 का नवरत्न करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब कौन जीता है? तो पी मंगेश चंद्रन ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। एनएससी नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, और आपको मैं बता दूं नई दिल्ली में किया गया है। और नेक्स्ट ये आप जान लें कि एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में, मुख्यालय है मुंबई में। और एक इसी तरह का BSE है, उसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका स्थापना हुआ था 1875 में। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ AK-203 जी हाँ दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है दोस्तों रूस। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि रूस का करेंसी क्या है। दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी है? तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखा है। 6 जनवरी को किस राज्य ने पत्रकारिता दिवस मनाया है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दोस्तों भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा, आप जानते होंगे उड़ीसा का राजधानी है। वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और CM है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अवधि तक मुख्यमंत्री होने का गौरव भी जल्द ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले चैमलिन जो थे उन्हें ये गौरव प्राप्त था। आपको ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले और कौन हैं, और वो किस राज्य के हैं? सिक्किम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मेघालय के हैं कि मिजोरम के हैं? चैमलिंग मैंने एक ऑप्शन हिंट दे दिया है, उसका आंसर कमेंट में दें। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। समुद्री पारिस्थितिक यंत्र की बैठक कहाँ होगा? तो ये दोस्तों कोची में होगा।